नर्स बनने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, उसकी कितनी फीस रहेगी और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। दोस्तों, नर्स बनने के लिए 12th PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पास करनी ज़रूरी होती है, लेकिन अगर आपने 12th आर्ट्स से भी की है तो भी आप नर्स बन सकते हैं। जी हाँ, नर्स बनने के लिए सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री तीनों तरह के कोर्स उपलब्ध है। इन सभी की फीस भी अलग अलग है और सभी अलग अलग ड्यूरेशन के होते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सभी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत 12th PCB के बाद के कोर्सेज के बारे में जानते हैं, उसके बाद 12th आर्ट्स वालों के लिए कोर्सेज के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कोर्स है सर्टिफिकेट इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर नर्स, CMCHC। यह 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स है जिसकी फीस 15,000 से 20,000 रुपये के लगभग होती है। ठीक है, दूसरा है सर्टिफिकेट इन होम नर्सिंग, यह 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स है, इसकी फीस 25,000 से 30,000 रुपये के लगभग कंप्लीट पड़ती है। सर्टिफिकेट इन प्राइमरी नर्सिंग मैनेजमेंट, CPNM, यह कोर्स 1 साल की ड्यूरेशन का होता है, जिसकी फीस 25,000 से 30,000 रुपये के लगभग होती है। सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदिक नर्सिंग, यह भी 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स है, इसकी फीस भी कंप्लीट 25,000 से 45,000 रुपये के लगभग पड़ती है। डिप्लोमा इन होम नर्सिंग, यह 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है, इसकी फीस पड़ेगी 30,000 से 45,000 रुपये के लगभग। डिप्लोमा इन हेल्थ असिस्टेंट, DHA, यह भी 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है, इसकी फीस भी लगभग 30,000 से 45,000 रुपये के लगभग कंप्लीट पड़ेगी। डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रोमा केयर टेक्नीशियन, यह 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है, इसकी फीस 40,000 से 60,000 रुपये के लगभग होती है। एडवांस डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक केयर मैनेजमेंट, यह भी 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है, इसकी फीस भी 40,000 से 60,000 रुपये के लगभग होती है। डिप्लोमा इन न्यूरो नर्सिंग, यह भी 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है, इसकी फीस भी 40,000 से 60,000 रुपये के लगभग कंप्लीट पड़ेगी। डिप्लोमा इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, यह 3 साल का डिप्लोमा कोर्स है, इसकी फीस 80,000 से 1,00,000 रुपये के लगभग होती है। ANM, यह 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है, इसकी फीस भी 40,000 से 60,000 रुपये के लगभग कंप्लीट पड़ती है। GNM, यह 3 से 3.5 साल का कोर्स है, इसकी फीस भी 80,000 से 1,00,000 रुपये के लगभग पड़ेगी। इसके साथ ही कुछ डिग्री कोर्सेज भी इसमें अवेलेबल है, जैसे पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, यह 2 साल का डिग्री कोर्स है, इसकी फीस 70,000 से 1,00,000 रुपये के लगभग पड़ेगी। BSc होनर्स नर्सिंग, यह 2 साल का डिग्री कोर्स है, इसकी फीस भी 70,000 से 1,00,000 रुपये के लगभग पड़ेगी। BSc नर्सिंग, जो कि 4 साल का डिग्री कोर्स है, इसकी फीस 1,00,000 से 2,00,000 रुपये के लगभग होती है। तो दोस्तों, नर्स बनने से संबंधित ये सभी कोर्स थे जिन्हें आप सिर्फ 12th PCB से करने के बाद ही कर सकते हैं, लेकिन इनमें GNM और ANM दो ऐसे कोर्स हैं जिन्हें 12th आर्ट्स वाले भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और एक और बात मैं आपको बताऊं कि इन कोर्सेज को करने के बाद आप नर्स बनने के साथ साथ नर्स एजुकेटर, नर्स सुपरवाइज़र, प्रोफेसर, काउंसलर, ये सभी जॉब्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, इन कोर्सेज में से आप कौन सा कोर्स करने वाले हैं हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इनसे संबंधित अगर आप और कोई जानकारी चाहते हैं, आपको किसी तरह की कोई समस्या है, तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा।